तो अमरोहा के गेहूं क्रय केंद्र का रियलिटी चेक न्यूज वन इंडिया पर खबर चलने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। बारिश में भीग रहे गेहूं के मामले में हरकत में आया था प्रशासन। आनन फानन में गेहूं को ट्रक में लोड कराकर गोदाम भेजवाया। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये भी बातें कही गई। दरअसल न्यूज वन इंडिया की टीम क्रय केंद्रों की रियलिटी चेक करने अमरोहा के हसनपुर केंद्र पर पहुंची तो गेहूं काफी भींगा हुआ था और उसके बाद इस खबर को दिखाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और तुरंत ही मौके पर पहुंचकर गेहूं को आनन फानन में ट्रक में उठवाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हम इस वक्त मौजूद है अमरोहा जनपद के हसनपुर क्रय केंद्र, गेहूं क्रय केंद्र पर, जहां पर बारिश में काफी लगातार 3 दिन से हो रही बारिश में काफी संख्या में गेहूं भीगा था और उसे न्यूज वन इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया तो अधिकारी अमरोहा प्रशासन हरकत में आया था और यहाँ से कल गेहूँ भिजवा के एक गोदाम में पहुँचवाया था। आखिर सवाल ये खड़ा होता है कि इन जो जिम्मेदार हैं इन पर कब कार्रवाई की जाएगी। ये योगी सरकार लगातार गेहूँ को गरीबों तक पहुँचाने में लगी है लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है कि इतनी मात्रा में, और मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँ अभी भी गेहूँ जो है काफ़ी, इसकी हम रियलिटी चेक करना, जो गेहूँ यहाँ पर काफ़ी संख्या में पड़ा हुआ है, ये देखिए गेहूँ ये जो भीगा हुआ लगातार गेहूँ खराब होता चला जा रहा है। लेकिन आखिरकार अभी तक भी अमरोहा प्रशासन ने इन जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। आज न्यूज इंडिया की टीम जब यहाँ रियलिटी चेक करने में काफ़ी संख्या में गेहूँ आज भी यहाँ पर इसी समय मौजूद पड़ा हुआ है। आखिर सवाल फिर वही खड़ा होता है कि ये गेहूँ की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है, कब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। न्यूज वन इंडिया के लिए अमरोहा से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। तो इस मामले में प्रशासन ने संज्ञान लिया और आइए अब आपको दिखाते हैं अधिकारियों के आदेश के बाद भी क्या है गेहूं क्रय केंद्रों की हालत। मैं इस वक्त मौजूद हूं अमरोहा जनपद की हसनपुर गेहूं क्रय केंद्र पर, जहां पर ताऊते का तूफान आने के कारण लगातार 3 दिन से अमरोहा जनपद में लगातार बारिश हो रही थी और जो क्रय केंद्र थे वहां पर गेहूं देखने किसानों से खरीदने के बाद गेहूं की जो जिम्मेदार उन्होंने किस कदर गेहूं की भीगा बर्बाद हुआ है। मैं कैमरा से गुजारिश करूँगा दिखाई की गेहूँ आज भी जो है यहाँ पर न्यूज वन इंडिया पर खबर चली थी और असर हुआ था खबर का और अमरोहा प्रशासन में हड़कंप मचा था। हड़कंप के बाद यहाँ से गेहूँ भिजवा कर गोदाम पहुँचवाया गया लेकिन आज जब रियलिटी चेक करने न्यूज इंडिया की टीम यहाँ पहुँची है क्रय केंद्र पर तो आज भी गेहूँ में जो है गेहूँ पानी में पड़ा हुआ है, मौजूद है। आखिर सवाल ये खड़ा होता है कि गेहूँ की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है, आखिर इन जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी, क्योंकि अभी तक अमरोहा प्रशासन की तरफ से इन जिम्मेदारों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बड़ा सवाल अपने आप में होता है। न्यूज वन इंडिया से अमरोहा से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। और प्रदीप जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ कि इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है, किस तरीके से कार्रवाई हुई है। प्रदीप बताइए, इस खबर के दिखाने के बाद प्रशासन ने कम से कम ये तो हरकत में आया कि भीगते हुए गेहूं को उठवाकर सही जगहों पर पहुंचाया है ट्रक से लदवाकर, लेकिन कार्रवाई क्या हुई, कौन है जिम्मेदार? देखिए बता देता हूँ, जब न्यूज वन इंडिया ने खबर को गेहूं भीगने की खबर को प्रमुखता से चलाया था तो अमरोहा प्रशासन में हड़कंप मचा था और हड़कंप मचा आनन फानन में अधिकारियों ने कई जगह अमरोहा धनोरा हसनपुर में एडीएम ने मौके पर पहुंचकर गेहूं को ट्रक में लदवा कर गोदाम भिजवाया गया। वहीं अगर जब हमारी टीम को रियलिटी चेक करने पहुंचती है तो वहां पर अभी भी एडीएम के आदेश को भी जो वहां पर क्रय केंद्र प्रभारी है वो ठेंगा दिखाते नजर आए। वहां पर गेहूं आनन फानन में तो भिजवा दिया है लेकिन कुछ गेहूं अभी भी वहां पर जो बारिश का पानी भरा हुआ है उसमें अभी भी कुछ कट्टे काफी मात्रा में कट्टे वहां पर मौजूद थे जी। लेकिन अभी तक जब हमने आईजीएम साहब से बात की तो उन्होंने बताया कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी लेकिन बड़ा सवाल वही है कि कार्रवाई की कब जाएगी, क्या कार्रवाई सिर्फ जमीनी स्तर पर की जाएगी या कागजों में की जाती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर आप नज़र बनाए रखें। सवाल यही उठता है कि हमारी जो जिम्मेदारी है वो यही कि हम खबर दिखा सकते हैं लेकिन कार्रवाई तो प्रशासन को ही करना है, लेकिन अभी तक कार्रवाई इस मामले में नहीं हुई है।